मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो रात को मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुंचे थे शिमला में, और रात के 10:30 बजे करीब पहुंचे थे हम। अभी हम रेडी हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और अब जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। तो उससे पहले हम आपको रूम टूर करवा देते हैं। हमने होटल लिया है माल रोड के ऊपर। यहाँ पे 2 बालकनी है। बड़ा शानदार व्यू आता है बालकनी से। ये जो राइट साइड में दिख रहा है चर्च, वहां पे रिज रोड है और माल रोड भी यही है। तो माल रोड यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये बेड है, यहाँ पे आपको कॉफी वगैरह के लिए सामान मिल जाता है। और ये अलमीरा, यहाँ पे बाथरूम दिखा देते हैं आपको। नीट एंड क्लीन बाथरूम है वैसे तो। तो चलो चलते हैं माल रोड की तरफ। आज का हमारा प्लान वैसे रहेगा, पहले तो हम जाएंगे माल रोड, फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे जाखू टेंपल, और फिर उसके बाद जाएंगे वॉइस रॉय करके हैं यहाँ पे एक जगह, वहाँ पे जाएंगे। शिमला आने का बेस्ट ट्रांसपोर्ट है वॉल्वो। आप दिल्ली से वॉल्वो बुक कर सकते हैं। ओवरनाइट जर्नी रहती है जिसकी कॉस्ट रहती है अराउंड 1000 to 1500 पर पर्सन। बेस्ट वॉल्वो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको HRTC की। ये हिमाचल गवर्नमेंट की वॉल्वो बस है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये है होटल समिट ले रॉयल, और ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे। यहाँ से एंट्री है और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे। हमारा रूम है 2nd फ्लोर पर। तो अब हम निकल रहे हैं माल रोड की तरफ। ये होटल का बाहर का एरिया है, सेटिंग एरिया, और ये व्यू। एक्चुअली यहाँ पे 1-2 हफ्ते पहले स्नोफॉल हुई थी, तो बर्फ़ अभी थोड़ी बहुत जमी हुई है। अगर हम लकी रहेंगे तो हम भी स्नोफॉल देख पाएंगे, लेट्स सी 3-4 दिन में। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम आए हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस, और ये मेन्यू यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है। एक मसाला डोसा, ये है एक्सप्रेसो कॉफ़ी। तो यहाँ पे हमने किया अपना ब्रेकफास्ट, और अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ माल रोड एक्सप्लोर करने। तो ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, उस ट्राई करना चाहिए एक बार तो एटलीस्ट। ये है स्कैंडल पॉइंट। यहाँ पर 3-4 बैंक्स हैं। लेफ्ट साइड वाला रास्ता जाता है चर्च की तरफ, और राइट साइड वाला रास्ता जाता है लिफ्ट की तरफ, जो हमें नीचे की तरफ मेन रोड और पार्किंग की तरफ ले जाता है। मेरे बैक साइड में है ये गेटी थिएटर, ये देखिए। और यहाँ पे ये मार्केट है। तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चर्च। पीछे मेरे चर्च है, और ये शिमला का रिज है, द मॉल रिज। बहुत फेमस एरिया है ये शिमला का। तो दिखाते हैं आपको शिमला का रिज और चर्च। यहाँ पे कल का प्रेडिक्शन है स्नोफॉल का 80%। वैसे कल हमारा प्लान है कुफरी का और नारकंडा का, तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी भी मौसम ऐसा है कि बादल छाए हुए हैं ऊपर, बिल्कुल भी धूप नहीं है, अच्छा मौसम हो रहा है, तो कभी भी स्नोफॉल हो सकती है यहाँ पे। ये जो सामने देख रहे हो आप ऊपर की तरफ, यहाँ पे शूटिंग हुई थी 3 इडियट मूवी की, ये वही लोकेशन है। ये इंदिरा गांधी जी का स्टैचू, और इनके ठीक पीछे है पैनोरमिक व्यू शिमला का, दिखाता हूँ आपको। नीचे स्नो दिख जाएगी आपको।
यहाँ पे थोड़ी फोटो क्लिक करवा के हम आप निकलेंगे आगे की तरफ जाकू टेम्पल की तरफ। वैसे जाकू टेम्पल जाने के लिए रोप वे भी है जिसकी कॉस्ट है 500 पर पर्सन आने जाने का, लेकिन हमें नीचे से ही टैक्सी मिल गई थी टोटल 400 की आने जाने की। तो हम जा रहे थे जाकू टेम्पल की तरफ, तो यहाँ पे दिखा एक पॉइंट, व्यू पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है, सामने एकदम दिख रहा है चर्च और माल रोड। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, बड़ा मस्त लग रहा है। तो चलो आगे चलते हैं, हनुमान टेम्पल, जाकू टेम्पल, अभी भी काफ़ी ऊपर चढ़ना है। तो ये है विशाल हनुमान जी की मूर्ति, अभी आगे से दिखाऊंगा। तो हम यहाँ से ऊपर आए थे और ये रही हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, ये देखिए बहुत शानदार लग रही है। अभी आए हम लंच करने जाकू टेंपल से रिटर्न होके, ये देखिए रेस्टोरेंट है इस होटल का। लंच करके हम निकलेंगे बोटैनिकल गार्डन वॉइस लॉज, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है। हम पहुँचे अभी वॉइस लॉज, ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेके आप म्यूजियम में एंट्री कर सकते हो। मेरे पीछे है वॉइस रीगल लॉज बिल्डिंग, ये देखिए, और इस तरफ है बोटैनिकल गार्डन, बड़ा शानदार गार्डन है, आप ये दिखाएंगे आपको। ये बैक साइड है बिल्डिंग का, थोड़ा स्नो वगैरह गिरा हुआ है यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं बोटैनिकल गार्डन, बड़ी अच्छी धूप आ रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बादल ही छा गए थे, लग रहा था स्नो फॉल हो जाएगी, लेकिन फिर से बादल चढ़ गए और धूप हो गई। ये है बोटैनिकल गार्डन, लेकिन अभी फ्लावर्स है नहीं यहाँ पे, सीज़न होगा तब फ्लावर आएंगे यहाँ पे, एक भी फ्लावर नहीं दिख रहा मुझे। इस बिल्डिंग के अंदर म्यूज़ियम टाइप का बना रखा है जिसकी एंट्री फीस है 200 रुपीज़ पर पर्सन, एक गाइड रहता है और पूरी हिस्ट्री बताता है इस बिल्डिंग की। तो काफ़ी अच्छा लगा अंदर, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। ये जो वुडन रैंप दिख रहा है, यहाँ से एंट्री होती है म्यूज़ियम के लिए, अंदर म्यूज़ियम है। तो हमने पूरा वॉइस रीगल बिल्डिंग एक्सप्लोर कर लिया है, यहाँ पर म्यूज़ियम में भी गए हम, अंदर पूरा हिस्ट्री बताया गया है गाइड के थ्रू। और अब हम दोबारा माल रोड की तरफ जा रहे हैं, और माल रोड पे ही आज डिनर करेंगे, शाम को वहीं पे रुकेंगे, फिर वहीं पे हम होटल में चले जाएंगे।
तो ये था हमारा आज का दिन। आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।